वेल हेलो कॉस्मिक आर्मी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो पूल3 कॉस्मिक। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलियनएक्स वर्सेस लिविंग ट्राइब्यूनल के एक बैटल वीडियो को लेकर के, और ये वीडियो होने वाला है कॉस्मिक क्विस्ट का सेकंड वीडियो। सो अब ना ज़्यादा और देरी करें, शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं हमारे एलियनएक्स के बारे में। इसकी स्पीसीज है सेलेस्टियल सेपियन, होम वर्ल्ड फोर्स ऑफ क्रिएशन, बॉडी टाइप है ह्यूमनॉइड, इसकी एबिलिटी है ओमनीपोटेंट। एलियनएक्स ओमनीट्रिक्स की एक डीएनए सैंपल है जो कि सेलेस्टियल सेपियन से है, जो फोर्स ऑफ क्रिएशन से लिया गया है। एलियनएक्स की तीन पर्सनालिटीज है, द वॉइस ऑफ लव एंड कंपेशन जरीना, द वॉइस ऑफ रीजन एग्रेशन वैलियस, द वॉइस ऑफ रीजन बैन। ये तीन वॉइस एलियनएक्स को बात करवाते हैं, मतलब जब तीनों पर्सनैलिटीज राजी हो जाते हैं तभी वो बात करते हैं, नहीं तो वो चुप रहता है और वही करते हैं जिसमें ये तीनों पर्सनैलिटीज राजी हो जाते हैं। तब तक एलियनएक्स की बॉडी जमीन से कुछ फीट ऊपर उड़ती रहती है। और जहाँ तक इसकी अपेरियंस की बात है, ये ब्लैक ह्यूमनॉइड है जिसके शरीर में पूरे शरीर में वाइट स्टार्स बने हुए हैं, और ओमनीवर्स में इसके स्टार्स और भी ज़्यादा हाईलाइट हो गए हैं। इसका हार्ट जो है वो वाइट कलर में है और इसका बाकी पूरा बॉडी ब्लैक और वाइट के कंपेरिजन में। इसके सर पर तीन हॉर्न्स है और ओमनीवर्स में इसके हॉर्न छोटे होंगे और इसका जो मसूड़ा है या फिर दांत के नीचे का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा बाहर आ गया, फूल सा गया है। और इसके चेस्ट में ओमनीट्रिक्स या अल्टीमेट्रिक्स का एक सिंबल है। तो एलियनएक्स की पावर से बात करें तो उस पर रियलिटी टैपिंग की पावर है। तो हमने शुरुआत से ही देखा है कि वो किसी भी चीज़ को, किसी भी मैटर को, किसी भी रियलिटी को चेंज कर सकता है। टाइम कंट्रोल की पावर हमने पहले एपिसोड में एक्स इज इक्वल टू बैन प्लस टू में ही देखा है कि कैसे उसने डैम को बहाव, मतलब टूटे हुए डैम को फिर से रिवर्स कर दिया टाइम को और वापस उसको जमा दिया। यूनिवर्स क्रिएशन हमने सो लॉन्ग एंड थैंक्स फॉर ऑल द स्मूथीज में देखा है कि उसने किस तरह से एक अपने यूनिवर्स को एनालर के द्वारा तबाह करने के बाद उसे फिर से बना दिया। इंडस्ट्रेबल, जब गैलेक्टिक ग्लैडिएटर एलियनएक्स पर अटैक कर रहा था तब भी एलियनएक्स को कुछ भी नहीं हो रहा था। सेल्फ डुप्लीकेशन, हमने यूनिवर्स वर्सेस वेंटिलेशन में देखा है कि कैसे एलियनएक्स ने अपने डुप्लीकेट बनाकर के गैलेक्टिक ग्लैडिएटर को हराया। टेलीकिनेसिस, हमने वेपन 11 पार्ट 1 में देखा है कि किस तरह से उसने बाकी सारे एलियंस स्पीसीज को किस तरह से उनको कंट्रोल किया, उनको एक दूसरे के साथ ही भिड़ाया था। और एलियन ने किसी भी दूसरे सेलेस्टियल सेपियन के साथ बॉन्ड होकर के कुछ भी कर सकता है, गॉड बन सकता है, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये सच है। और जहाँ तक बात है इसकी वीकनेसेस की, डार्क स्टार ऑस्मोसियंस जो है एलियनएक्स, मतलब एक बेबी एलियनएक्स की पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और एलियनएक्स की कुछ पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है इसकी पर्सनैलिटीज़ की, इसकी पर्सनैलिटीज इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, इसकी वीकनेस भी है। अगर सेरेना और वेलिकस मान जाते हैं तो बैन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, अगर सेरेना और वेलिकस में कोई भी नहीं मानता तो बैन सबसे कमज़ोर भी है। अदर सेलेस्टियल सेपियंस एलियनएक्स को हार्म कर सकते हैं, उसको मार भी सकते हैं। एंडी एर नूरा वोलाडियस नाम के प्लैनेट है ओमनीवर्स में, जहाँ पर अगर वहाँ एलियनएक्स जाता है तो वहाँ वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, कुछ समय तक कर पाएगा, उसके बाद भी वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो वहाँ कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता, ऐसा कन्फर्म्ड कर दिया गया है। तो ये तो हो गया उसकी पावर्स, एबिलिटीज़ और वीकनेसेस के बाद। अब हम ज़रा देख लेते हैं हमारे लिविंग ट्राइब्यूनल को लेकर के। तो लिविंग ट्राइब्यूनल हमारे मार्वल यूनिवर्स के जजमेंट सुनाने वाला सबसे बड़ा कैरेक्टर है और इसी के पूरा का पूरा मार्वल का मल्टीवर्स घूमता है और ये पूरे पूरे मार्वल के सभी यूनिवर्सेस का जजमेंट करता और इन सभी को कंट्रोल करने वाला है। वन एबव ऑल जो कि इसे इस पोजीशन पर रखा है और इसी के हिसाब से ये वन एबव ऑल की भी कुछ पावर्स को अचीव कर सकता है। और अगर हम देखें तो लिविंग ट्रिब्यूनल वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में भी गिना जाता है मार्वल यूनिवर्स में। और मार्वल के कॉमिक्स में तो ये तक कहा गया कि इन्फिनिटी स्टोन्स और साथ ही में सेलेस्टियल्स तक को कंट्रोल करने का काम लिविंग ट्रिब्यूनल कर चुका है। अगर वन एवं ऑल पूरे के पूरे मार्वल ओमनीवर्स को कंट्रोल करता है, उसका क्रिएशन करता है, उस हिसाब से चलाता है, तो लिविंग ट्रिब्यूनल पूरे के पूरे मार्वल यूनिवर्स को बिल्कुल एक्यूरेट सिस्टमेटिक ढंग से चलाने का काम करता है। इटर्निटी, इन्फिनिटी और डैट लव जैसे कैरेक्टर जो हैं वो भी लिविंग ट्रिब्यूनल के नीचे ही आते हैं। सो अगर डायरेक्टली कहा जाए तो लिविंग ट्रिब्यूनल एक 9 ओमनीपोटेंट, 9 ओमनीसिएंट एंड 9 ओमनीप्रेजेंट कैरेक्टर है। सो अब अगर आपने इन दोनों के बारे में बात कर लिया है तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किसके पास क्या एबिलिटी है। सो एलियनएक्स की एबिलिटी ओमनीपोटेंट की है और लिविंग ट्रिब्यूनल की अगर एबिलिटी अपन देखें तो इसकी एबिलिटी है 9 ओमनीपोटेंट की। सो इस हिसाब से मैं ज़्यादा कुछ घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहूँगा। अगर मैच मार्वल यूनिवर्स में होता है तो वो अपनी पावर्स का यूज़ करके जर्मन सुना करके एलियनएक्स को एक तरीके के रूल बॉन्ड में रख देगा जिसके जरिए वो लिविंग ट्रिब्यूनल का कुछ भी ना उखाड़ सके। लेकिन अगर मैच बेंटन यूनिवर्स में होता है तो एलियनएक्स
लिविंग ट्रिब्यूनल का चिरखिट्टा उड़ा करके उसकी वहीं फाड़ के रख देगा। ऐसा है कि मार्वल कॉमिक्स में कई सारे राइटर्स ने यह भी दिखाया कि बियॉन्डर्स मिल करके भी लिविंग ट्रिब्यूनल को मार सकते हैं। और क्योंकि हम जानते हैं कि प्री रेक्टॉन बियॉन्डर ओमनीपोटेंट बीइंग था, लेकिन बाकी जो क्राइसिस के बाद के बियॉन्डर थे यानी कि रिबूट के बाद के, वो सभी के सभी 9 ओमनीपोटेंट कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं और एलियनएक्स अपना ओमनीपोटेंट कैटेगरी में एग्जिस्ट करता है। तो अब आप बहुत ज्ञानी हो यार, मैं जानता हूँ, समझ ही गए हो गए अब तो। सो इस हिसाब से अगर ये वीडियो को रैप अप किया जाए तो एलियनएक्स इस बैटल का विनर होगा। तभी तो यार अपन से एलियनएक्स को अपने मार्वल यूनिवर्स के सुप्रीम गॉड से कभी कभी कंपेयर करने चल देते हैं, वो चुटिया की माफिक। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को, और जैसे सब्सक्राइब करोगे बन जाओगे एक आर्मी के पास, जिसको मैं कहता हूँ कॉस्मिक आर्मी। तो सब्सक्राइब कर दो और बन जाओ मेरी आर्मी के पास, बिकॉज यू आर अ कॉस्मिक सुपर हीरो।